वेलकम बैक दोस्तों, टीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन का आज पार्ट हम लोग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले क्लासिफिकेशन का एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि 1 से 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना हम लोग सीख चुके हैं। उसके अगला पार्ट हम लोग 51 से 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डप्ट या कोई सुझाव हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप हमको अपने डप्ट और क्यूरी वहां पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पार्ट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहां पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से समानता मालूम करें, गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू। तो ऑप्शन दिया गया कि ये सभी रात में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये सभी स्तनधारी हैं, ये सभी उड़ सकते हैं, कोई समानता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों, गिद्ध भी हमारा क्या है, उड़ सकता है, पतंग भी उड़ सकता है, चमगादड़ भी उड़ सकता है, उल्लू भी उड़ सकता है। तो ये कुल मिलाकर के ये ऑप्शन हमारा जो सी है, यानी कि ये सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा जा करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करें। तो कहा गया है नाटक, सिनेमा और दस्तावेजी, रोड शो। तो ये जो है अब ऑप्शन में दिए गए हैं, कहा गया कि इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। फिर बी ऑप्शन में दिया गया, कहा गया कि ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया कि ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। डी ऑप्शन में दिया गया, कोई समानता नहीं है। तो दोस्तों, ये जो नाटक होता है, सिनेमा जो होता है, दस्तावेजी, रोड शो, ये सब कहीं ना कहीं इनका सबका मतलब ये होता है कि ये कोई सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया करते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट, यानी कि ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि शब्द के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। पारा जो होता है दोस्तों तरल होता है, ये भी बात सत्य है। गन पाउडर जो होता है वो ठोस होता है, ये भी ठीक है। कपूर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है गैस, तो कपूर भी हमारा क्या होता है, ठोस के रूप में होता है। यहाँ पे इसने क्या कह दिया, गलत कह दिया है। हीलियम हमारी गैस है, ये भी ठीक कह दिया गया। यानी कि ये ए बी डी, यानी कि ऑप्शन ए बी और डी, ये जो हैं ये एक समान है क्या है, और ये क्या है दोस्तों, एक समान हो गए। और जो हमारा एक ऑप्शन दिख रहा है कि सी ऑप्शन, यानी कि कपूर वाला, कपूर का गैस, ये हमारा क्या है, ये असमान है। तो यही हमारा इन सबसे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करें। अब कहा गया है कि नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीडा नौका या याच भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है, कहा गया है कि ये सब पानी में विहार करते हैं, ये सब पानी के पात्र हैं, इन सब में उच्च पतवार है, ये सब कागज के बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ पे जो कागज के बने होते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये हमारा रंग हो जाएगा। इन सब में उच्च पतवार है, ये भी रंग हो जाएगा। ये सब पानी के पात्र हैं और फिर ये सब पानी में विहार करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ये सब पानी में विहार करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों किसके साथ राइट हो जाएगा, ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से अलग या विषम उसे चुने, अलग हो या विषम उसको चुनना है। दिया गया ऑप्शन ए में आर्गन, नियान, जेनान और हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ पे आर्गन और नियान और ये जेनान, ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं। क्या है दोस्तों, ये अक्रिय गैसें हैं। और लेकिन जो हाइड्रोजन है ये हमारा, ये अक्रिय गैस नहीं है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55 का डी के साथ, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है और ये रहा। तो इसमें कहा गया है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विषम चुने, बाद पहले, उत्तराधिकारी पूर्ववर्ती, प्रथम का दूसरा, भविष्य का अतीत। दोस्तों यहाँ पे बाद का पहले, यानी पहले का या बाद, यानी कि अपोजिट दिया गया, ये ठीक है। उत्तराधिकारी का पूर्ववर्ती, ये भी हमारा अपोजिट है। प्रथम का दूसरा, ये हमारा अपोजिट नहीं है। यहाँ पे प्रथम का दूसरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पहला का दूसरा होता है। किसका होता, पहला का दूसरा होता, प्रथम का द्वितीय होना चाहिए, तब जाके हमारा विलोम बनता। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये हमारा रंग हो जाएगा, यानी कि भविष्य, अतीत, ये भी हमारा सही है। तो ये जो सही वाली हमारे तीनों, एक
एक समान समान है, लेकिन ये जो हमारा सी है दोस्तों ये अकेला है ऐसा। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा 56 का कौन सा राइट हो जाएगा, सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा था यहाँ पे दिया गया, शब्दों के चार जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुने। वृत्त से दोस्तों हमारा क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया। आयत से दोस्तों हमारा आयताकार हो गया। रेखा से दोस्तों हमारा रेखाकार हो गया। और वर्ग से हमारा विकर्ण हो गया। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट क्या देखने को मिल गया, वर्ग से विकर्ण। तो यानी कि 57 का दोस्तों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। यानी वृत्त से दोस्तों वृत्ताकार, रेखा से रेखाकार, आयत से आयताकार, तो वर्ग से वर्गाकार होना चाहिए। यहाँ पे विकर्ण दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 57 का सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल हमारा राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। तो बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती। तो यहाँ कहा गया कि सभी मोम के बने होते हैं। तो ये सूर्य कहाँ मोम का बना होता है दोस्तों, लैंप कहाँ मोम की बनी होती है, बल्ब कहाँ सूर्य के वो मोम के बने होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ए, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। आगे देखते हैं, सभी बिजली पर काम करते हैं, ये भी बात गलत है। लैंप कहाँ हमारा बिजली पे काम करेगा, मोमबत्ती कहाँ काम करेगा, सूर्य कहाँ बिजली पे काम करेगा। फिर कहा सभी दुकानों पर उपलब्ध है, सूर्य हमारा दुकान में कहाँ मिलेगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी रोशनी के स्रोत हैं, यानी कि सभी रोशनी के स्रोत हैं। 58 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये था, कहा कि भारतीय संसद के संबंध में विषय का पता लगाएं, विषम का पता लगाना है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया बजट सत्र, भारतीय संसद कहा गया, भारतीय संसद के अंतर्गत हमारा बजट सत्र भी आता है। फिर ग्रीष्म सत्र, ये ग्रीष्म सत्र हमारा नहीं आता भारतीय संसद में। और मानसून सत्र भी आता है और शीतकालीन सत्र भी आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमको क्या मिल गया, डिफरेंट हमारा मिल गया बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब एक चीज मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 59 में ए में दिया गया बजट सत्र, बजट सत्र आप लोग जान लीजिएगा, फरवरी से लेकर के मई तक को बजट सत्र बोलते हैं। मानसून सत्र जो होता है दोस्तों जुलाई से अगस्त होता है। और यहाँ पे जो शीतकालीन सत्र होता है ये होता है नवंबर से दिसंबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 59 का राइट क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा 59 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बनेगा। और बढ़ते हैं दोस्तों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था ये है, यहाँ पे दिया गया दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें, कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। अब अगर देखें तो मछली केवल हमारी क्या हो जाएगी, जल में रहती है, केवल केवल क्या होगी, जल में रहती है। लेकिन ये जो तीनों दिए गए हैं, मेंढक, केकड़ा, कछुआ, ये जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो यहाँ पे डी, मछली हमारा किसके लिए, डी, डी ऑप्शन हमारा किस में दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन पे ही दिया गया है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 60 का डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, उसमें कहा गया कि नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है, शनि, शुक्र, धरती, पृथ्वी, बृहस्पति दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे धरती का जो संबंध होगा, यहाँ पे धरती का संबंध हमारा पृथ्वी से होगा, किससे होगा दोस्तों, पृथ्वी से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिए पृथ्वी पे हमारा क्या होता है, जीवन संभव है, क्या दोस्तों, पृथ्वी पे जीवन हमारा संभव है, जीवन होता है, यानी कि पृथ्वी पे जीवन संभव है। और अन्य पे हमारा यानी शनि पे, शुक्र पे और ये बृहस्पति पे हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा बी, यानी 61 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन को हम राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो, थॉमस ए एडिशन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है और यहाँ पे डी दिया गया है और फिर उसके बाद सी दिया गया है, ये सब क्या है, विदेशी वैज्ञानिक है, क्या है दोस्तों, विदेशी वैज्ञानिक है। और जो एक हमारा जो दिया गया है विराट कोहली, ये जो बी ऑप्शन में दिया गया है, ये क्रिकेटर है, वो भी इंडियन क्रिकेटर है, क्रिकेटर है दोस्तों, ये क्या है, इंडिया का है। तो यहाँ पे हमारा यही डिफरेंट हो जाएगा, ये तीनों विदेशी वैज्ञानिक हो गए, ये हमारा इंडियन प्लेयर है यानी कि क्रिकेटर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 का दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्न समूह में से विषम को चुने, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपैड। मोबाइल फोन को दोस्तों हम कहीं भी लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान बड़े आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन आईपॉड को भी हम दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और लैपटॉप को भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो एक ही स्थान पर रख दिया जाता है, उसको इधर से उधर ले जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा 63 का ए, 63 का इस
ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा भिन्न है, विषम की पहचान करें। एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों एसबीआई बैंक जो है ये हमारी राष्ट्रीय एकीकृत बैंक है। राष्ट्रीय एकीकृत क्या है? एकीकृत बैंक है। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये जो है राष्ट्रीय एकीकृत बैंक हो गया। बाकी जो ये तीनों दिए गए हैं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये हमारे राष्ट्रीय एकीकृत बैंक नहीं है। तो अकेला केवल दोस्तों हमारा राष्ट्रीय एकीकृत बैंक कौन सा हो जाएगा? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीय एकीकृत बैंक है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 64 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। और देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यहाँ पे मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस। तो दोस्तों यहाँ पे जो सूर्य हमारा दिया गया है ये क्या है? एक प्रकार का तारा है। और बाकी जो ये है मंगल यानी कि ए ऑप्शन, और उसके बाद वरुण, उसके बाद यूरेनस, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे ग्रह हैं। क्या है दोस्तों? ग्रह हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा तारा यानी सूर्य हमारा तारा, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा 65 का बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। दोस्तों अगर हम सोचें थोड़ा सा, फुटबॉल हम घर के अंदर नहीं खेल पाएंगे, घर के बाहर ही खेल पाएंगे, मैदान में खेल पाएंगे। और शतरंज जो है एक ऐसी चीज़ है इसको हम घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं, लेकिन फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल इनके लिए फील्ड यानी कि मैदान की आवश्यकता होती है। इनको घर के बाहर खेला जाता है, मैदान में। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बन जाएगा शतरंज। शतरंज हमारा क्या हो जाएगा? राइट यानी 66 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। कहा गया विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापिका। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी दिया गया है, विद्यार्थी जो है हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिका ये स्कूल या विद्यालय में दोस्तों क्या होंगे? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ये अपने पद पर तैनात हैं। ये क्या? प्रधानाध्यापक का भी एक पद होता है, प्रधानाचार्य का भी पद होता है, प्रधानाध्यापिका का भी एक पद होता है। तो ये विद्यालय में क्या है, ये इन सभी का एक पद होता है, लेकिन विद्यार्थी का कोई इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों ये हमारे एक ही ग्रुप के अकॉर्डिंग आ जाएंगे और हमारा यहाँ पे विद्यार्थी सब बिल्कुल इन तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 67 का ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। और देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। अब यहाँ पे कहा गया लाभ का हानि यानी कि ये अपोजिट लिखा है, ठीक है, लाभ का हानि भी ठीक है, जन्म का मृत्यु ये भी अपोजिट लिखा है, पास का दूर यानी कि ये भी दूर का पास है, पास का दूर लिखा है, भारी का मोटा ये हमारा अपोजिट नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा? भारी का मोटा यानी कि इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 68 का बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। अब एल, एल का कोण दोस्तों जानते हैं 12 होता है, ओ का 15 होता है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंट आया? प्लस का 3 ऐड किया गया। उसके बाद दोस्तों देखिए टी डब्ल्यू, तो टी का हम जानते हैं कितना होता है 20, 20 में 3 जोड़ा गया, प्लस का 3 जोड़ा गया 23 मिल गया। फिर अगर देखें ई और एच, तो यहाँ पे प्लस 3 जोड़ा गया तो हमको फिर मिल गया यानी क्या मिल गया? 8 मिल गया। और फिर यहाँ पे पी और वी यानी कि 16 से हम कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे इसका 16 होता है, इसका 22 होता है, 16 4 22 यानी कि 6 जोड़ना पड़ा, कितना? प्लस 6। तो इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे पी वी डिफरेंट हो जाएगा, सब में प्लस 3 हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो रहा है 6। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 69 का दोस्तों हमारा राइट बनेगा डी ऑप्शन। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से विषम का चयन करें, सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक। तो यहाँ पे जो हमारा फास्फोरस जो है ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा अन्य तीनों से। अब ये अन्य फास्फोरस हमारा जो क्या है दोस्तों, ये हमारा अधातु है यानी कि पी जो है यानी कि फास्फोरस, इसको हम कहेंगे फास्फोरस, ये हमारा क्या है? अधातु है। क्या दोस्तों? अधातु है। और जो ये हमारे अन्य तीन दिए गए हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये क्या है? हमारे उपधातु में है। क्या है? उपधातु में है। तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 70 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि कार संबंधित है टायर से, उसी प्रकार कुर्सी संबंधित है।
जिस प्रकार दोस्तों कार में टायर इंपॉर्टेंट होते हैं, टायर के माध्यम से ही हमारी गाड़ी चलती है, कार चलती है, उसी प्रकार कुर्सी हमारी किसके अकॉर्डिंग चलती है, किस पे टंगी होती है, लेग्स यानी टांग्स के अकॉर्डिंग, यानी उसकी चार पैर जो होते हैं कुर्सी के, चार टांग बनी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग कुर्सी हमारी बनी होती है, यानी वही मेन बेस है इसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ये डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 71 का डी। यानी कि बढ़ते हैं दोस्तों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और यहाँ पे कहा गया निम्न में से विषम की पहचान करें। हमको विषम की पहचान, ए का कोड होता है यूनिट, ए का मतलब अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक होता है तो एक लिख दिया गया। डी का अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू कितना होता है, चार। ई का होता है दोस्तों पांच, यहाँ पे क्या लिखा गया छह, इसलिए, और एफ का छह, का छह लिख दिया गया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट मुख क्या मिल गया, ई। यानी कि ये किस में दिया गया है, सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया, बी ऑप्शन पे, बी में हमारा दिया गया सी, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 72 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और इस क्वेश्चन में दिया गया है एक भिन्न को बाहर निकाले। तो यहाँ पे बी का जो दिया गया है दोस्तों ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब में बी का ऐसे लिख दिया गया, के को भी ठीक लिखा है, तीन का भी हमारा ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे एल को ये सेम एक ही जैसा लिख दिया गया, इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं लिखा गया, तो इसलिए डी हमारे डिफरेंट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 73 का बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और यहाँ पे कहा गया है कि एक भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये F जो है, F को बनाने के लिए हमको एक दो तीन लाइनों की आवश्यकता पड़ती है। तीन लाइन दोस्तों कैसे, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये दो हो गई और ये तीन, इसको बनाने के लिए तीन लाइन, इसको भी बनाने के लिए दोस्तों तीन लाइन, और इसको बनाने के लिए मतलब एक ही बार गोला बना दिया जाता है, और इसको भी बनाने के लिए तीन लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये सी, सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, सी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया, बी ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बी का सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 74 का दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इस क्वेश्चन में दिया गया इनमें से अलग का चयन करें। तो दोस्तों को देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये हमारा रोमन अंक लिखा है, ये भी हमारा रोमन अंक और ये भी हमारा रोमन अंक, और लेकिन ये हमारा ऐसे लिखा हुआ, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा 75 का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन किसमें दिया गया है, सी में, तो इसलिए दोस्तों का क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्न में से विषम को चुनिए, एम डब्ल्यू ई और टी। तो दोस्तों अगर हम देखें एम भी हमारा ठीक लिखा है, डब्ल्यू भी ठीक लिखा है, टी भी ठीक लिखा है, लेकिन ई जो है हमारा ये दर्पण प्रतिबिंब में दिखा करके लिख दिया गया, यानी उल्टा लिख दिया गया, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि सी, सी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, सी हमारा सी ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 76 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें कहा गया कि दी गई आकृतियों में से विषम आकृति यानी ऑड वन आउट का पता लगाएं। तो यहाँ पे ऑड इवन की बात कही गई है दोस्तों, अगर हम इनकी कोडिंग करें तो यहाँ पे सभी अल्फाबेटिकल लेटर ही हैं, इनकी कोडिंग कर लेते हैं, वी का हो जाएगा 22 कोड होता है, टी का हमारा 20 होता है, एल का हमारा 12 होता है और एस का हमारा 19 होता है। तो अब दोस्तों देखें तो 22, 20, 12 ये हमारा क्या है, ये हमारे इवन नंबर हैं, लेकिन 19 जो है हमारा ये ऑड नंबर है, इसलिए दोस्तों ये सभी से डिफरेंट हो जाएगा 19, यानी कि एस, यानी कि 19। ये हमारा एस किस नंबर पे दिया गया, किस ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे, डी हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा 77 का बी बिल्कुल राइट बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, कहा गया कि विषम की पहचान करें। यदि ई का 5 लिखा गया, जी को 7 लिखा गया, आई को 9 लिखा गया, एल को 10 लिखा गया, तो लेकिन 10 एल का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 लिखना चाहिए, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कि तीनों ये सही लिखे हुए हैं, यही एक हमारा गलत लिखा हुआ है, यानी एल का 12 होना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया, डी ऑप्शन हमारा दिया है दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 78 का सी बिल्कुल राइट बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और इस क्वेश्चन में दिया गया है इनमें विषम अक्षर का पता लगाएं। तो ये अल्फा, बीटा और ये हमारा जो गामा दिया गया है, ये हमारे तीनों क्या है, गणितीय सिंबल हैं या फिर भौतिकी सिंबल हैं, लेकिन एन जो है हमारा ये है अल्फाबेटिकल है, इसलिए दोस्तों हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए डी हमारा दिया गया है सी में, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा 79 का सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है कि टी ए एन को क्या किया गया है, यहाँ पे दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम दिखाएंगे तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और फिर एस ए टी, यहाँ पे दोस्तों एस जो बना है ये एस हमारा उल्टा बना हुआ है, क्या बना है दोस्तों, एस हमारा उल्टा बना हुआ, एस हमारा ऐसा बनना चाहिए, कैसे दोस्तों, ऐसे एस बना होता
और फिर ये ए ऐसे और ये ऐसे बना होता, एस हमारा इस टाइप में बना होता तो हमारा ये सही हो जाता, लेकिन ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है और एम को, ए को, एन को, ये भी हमारा ठीक है और वी को उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों वी को उल्टा कर दिया गया और ए को उल्टा कर दिया गया और फिर एन को उल्टा कर दिया गया, यानी कि ये भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब हमारा कौन सा नहीं है, बी में हमारा एस शब्द नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का ये तीनों एक समान हो जाएंगे, ए सी डी, लेकिन बी हमारा एक समान नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बी बिल्कुल राइट बनेगा, यानी कि 80 का दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इस वर्ग से संबंधित नहीं है, रैक और विंडो, डोर, शटर। तो यहाँ पे दोस्तों विंडो हमारा खिड़की हो गया, डोर हमारा दरवाजा हो गया, शटर हमारा जो दुकान वाला शटर होता है, कह लीजिएगा बड़ा सा। तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही चीज से संबंधित है, रैक हमारा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों हमारा यहाँ पे सी पे, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 81 का हमारा सी बिल्कुल राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया वह कौन सा क्षेत्र है जो समूह के साथ संबंधित नहीं है, ए सी डी बी। अब समूह के साथ कह रहा संबंधित नहीं है, अगर देखें दोस्तों तो ए का कोड एक होता है, डी का कोड यहाँ पे चार होता है, बी का कोड दो होता है और उसके बाद सी का कोड तीन होता है। तो सब एक दो तीन चार ही दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों अब हमको और कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो एक तरीका और देख लें, अगर हम वॉवेल्स ले लें और मतलब व्यंजन और स्वर ले लें, तो ये स्वर हमारे क्या हो जाते हैं, हम स्वर जानते हैं दोस्तों अल्फाबेटिकल में स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ए शब्द दिया गया, ये हमारा क्या है, स्वर दिया गया, बाकी और ये हमारे सब क्या है, डी बी सी ये व्यंजन है। इसलिए दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का 82 का ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ए के ही ये ए हमारा स्वर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दी गई आकृतियों में समूह से भिन्न आकृति का चयन करें, हमको ये बताना है। तो अब अगर देखें तो ए को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन, और एल को बनाने के लिए यानी कि सीधी सीधी ए को बनाने के लिए सीधी लाइन का तीन लाइनों का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद एल को बनाने के लिए भी तीन लाइन दो लाइनों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन सीधी लाइन हमको बनानी पड़ रही है। ई को भी बनाने के लिए तीन लाइन चार लाइन लेकिन हमको सीधी सीधी बनानी पड़ेंगी, लेकिन पी का अगर हम एक लाइन सीधी बनाएंगे और एक ये गोलाकार बनाएंगे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे पी हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और सभी में लाइन कितनी ही बन रही हूँ लेकिन सब सीधी सीधी लाइन बन रही है, लेकिन पी में एक गोलाकार लाइन बन रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पी डिफरेंट दिख रहा है। तो पी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया, डी ऑप्शन पे, डी हमारा यहाँ पे दिया गया बी पे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 83 का दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है कि पी बी क्यू और एक्स। तो दोस्तों यहाँ भी एक सीधी लाइन और एक गोलाकार लाइन, यहाँ भी एक सीधी लाइन, गोलाकार लाइन, सीधी लाइन, गोलाकार लाइन, और यहाँ पे दो सीधी लाइन, तो यहाँ पे दो सीधी लाइन, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा डी। डी हमारा किसमें दिया गया है दोस्तों, सी ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 84 का सी हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दी गई आकृतियों में से असंगत आकृति ढूंढें। फिर दोस्तों यहाँ पे एक सीधी लाइन, गोलाकार लाइन, फिर एक सीधी गोलाकार और यहाँ पे सीधी सीधी सभी बनेंगी, तो यहाँ पे फिर हमारा डी हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो डी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है दोस्तों, हमारा डी हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा 85 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि दी गई आकृतियों में समूह से भिन्न आकृति का चयन करें, LTVM। अब अगर देखें L को बनाने के लिए एक सीधी लाइन, ये दूसरी सीधी लाइन, यानी कि यहाँ पे दो सीधी लाइनों का प्रयोग किया गया। अब T का देखें तो एक सीधी लाइन, ये दूसरी सीधी लाइन, यहाँ भी टू का प्रयोग किया गया, टू लाइनों का। V का देखें तो एक सीधी लाइन, दो सीधी लाइन, दो इसमें भी, V में भी दो सीधी लाइन बनी। M को अगर देखें तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, यानी इसमें चार लाइनों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ये हमारा D ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। D ऑप्शन हमारा दिया गया किसमें, B ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 86 का हमारा B बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न चित्रों में से असंबंध की पहचान करें। तो यहाँ पे अब आपको देखने पे समझ रहा होगा, आ रहा होगा कि दोस्तों ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये हमारे भौतिकी साइंस के यानी फिजिक्स के क्या है, ये का सिंबल है या गणितीय सिंबल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये क्या है, पी हमारा अल्फाबेटिकल दिया गया है।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा किसमें दिया गया है, ए ऑप्शन पे डी दिया गया है, इसलिए दोस्तों 87 का हमारा क्या राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ संदर्भों में 3 शब्द समान है और 1 शब्द अलग है, वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। तो एम एन ओ, दोस्तों एम एन ओ यहाँ पे सीरियल से रख दिया गया, एक एक प्लस किया गया है, और यहाँ पे अगर देखें तो जी का 7 होता है, 7 में हमने एक बार 2 ऐड किया, 9 मिला, 9 में फिर 2 ऐड किया तो हमको 11 मिल गया यानी के। और यहाँ पे क्या किया गया था, प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 किया गया था। और यहाँ पे अगर देखें ए में फिर 2 किया गया, सी मिला, सी में 2 किया गया हमको ई मिला, और यू में 2 किया गया तो हमको डब्ल्यू मिला, डब्ल्यू में 2 किया गया तो हमको वाई मिल गया। तो कहीं ना कहीं सब में दोस्तों 2-2 ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पहले ऑप्शन पे हमको प्लस 1 किया गया, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 88 का कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है कि विषम की पहचान करें, ई का 5, टी का 20, वी का 16 और जेड का 26। जेड का कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 सही है। वी का दोस्तों कितना होता है, 22 होता है, यहाँ पे 16 लिखा है, इसलिए दोस्तों ये डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया। सी ऑप्शन हमारा किस में दिया गया है, डी ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा 89 का दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया विषम की पहचान करें। तो विषम अगर देखें, एम का 10 लिखा है, टी का 20, ई का 5, जेड का 26। तो जेड का 26 ये भी सही लिखा है, ई का 5 ये भी सही लिखा है दोस्तों, टी का 20 ये भी सही लिखा है, लेकिन दोस्तों एम का 10 ये गलत लिखा हुआ है। तो डिफरेंट तो हमारा यही हो जाएगा, एम का 10 में 13 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 10 लिख रखा है, तो एम का 10 हमारा डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा किस में दिया गया है, डी में ए ऑप्शन दिया गया है, इसलिए दोस्तों 90 का हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है असंगत की पहचान करें, ए का 1 दिया गया है, एम का 13 दिया गया है, टी का 20 दिया गया है, सी का 5 दिया गया है। तो ए का कोड ठीक लिखा है, एम का कोड ठीक लिखा, टी का कोड सी लिखा, सी का यहाँ पे 5 गलत लिख दिया गया, सी का तो 3 होता है, यहाँ पे 5 लिखा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन कौन से इसमें दिया गया, डी ऑप्शन हमारा डी पे ही दिया गया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 91 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है कि विषम की पहचान करें, यहाँ पे एन, डी, ए और जेड, फिर अगर यहाँ पे देखें तो N हमारा क्या हो जाएगा, D A Z। तो यहाँ पे A जो दिया गया है ये हमारा स्वर है, क्या है ये स्वर है, बाकी हमारे सब क्या है व्यंजन है, यानी कि अब तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, यानी कि सी। सी हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन पे दिया गया है, सी हमारा सी पे ही दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा 92 का कौन से ऑप्शन के साथ राइट जाएंगे, हम सी ऑप्शन के साथ बिल्कुल राइट जाएंगे। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है इनमें से विषम का चयन करें। तो फिर दोस्तों आपको देखने पर समझ में आ गया होगा, ये हमारा अल्फा, बीटा और ये गामा, तो ये तीनों हमारे क्या है, गणितीय सिंबल है या भौतिकी सिंबल कह लीजिएगा, लेकिन एम जो हमारा अल्फाबेट है, क्या है, एम अल्फाबेट है, तो डी के साथ जाएगा, डी हमारा डी में ही दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 93 का डी हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है कि विषम की पहचान करें, ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे दिया गया है 1520 ए ई टी लिखा है, तो इन्हीं का कोड लिख दिया गया दोस्तों, ए का 1, ई का 5, टी का 20, और ए का 1, यू का 21, बी का 2 ठीक है, ए का 1 और जी का 7, बी का 2, ए का 1, सी का 3, बी का 2, सारे कोड तो सही लिखे हैं, अब डिफरेंट होगा तो कौन होगा। तो अब अगर कुछ और सोचते हैं तो यहाँ पे अगर देखें, ये जो अल्फाबेट लिखा है, यहाँ हमको ए और बी 2 मिल रहे हैं, यहाँ भी हमको ए बी मिल रहा है, यहाँ भी हमको ए बी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल हमको ए मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा ए के साथ जाएगा, ए हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, ए ऑप्शन हमारा ए पे ही दिया गया, इसलिए इस दोस्तों 94 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया है विषम की पहचान करें। तो दोस्तों अगर हम ये विषम जो पहचान करें, ये हमारे क्या है दिए गए हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब दिए गए हैं, यानी 2 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा, 3 का दर्पण प्रतिबिंब ये बन जाएगा, और 9 का दर्पण प्रतिबिंब हमारा ये बन जाएगा, लेकिन 7 हमारा सीधी सीधी संख्या ही लिखी हुई है, इसमें इसका कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिखाया गया, इसलिए ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा 7। 7 हमारा किस नंबर पे दिया गया, डी ऑप्शन पे, तो डी हमारा यहाँ पे डी ही दिया गया, इसलिए दोस्तों 95 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहां पे कहा गया है कि विषम की पहचान करें, एस का 18 लेकिन एस का तो होता है 19, यही हमको गलत मिला, यू का दोस्तों 20,
तो ये इसमें भी एक कम करके 21 होता है, 20 लिखा गया, तो दोस्तों इसमें भी एक कम किया गया, इसमें भी एक कम किया गया, ठीक है। वाई का होता है 25, तो इसने 25 का 25 पूरा लिख दिया गया, और डब्ल्यू का होता है 23, तो इसमें एक कम करके लिखा गया है। तो यानी कि यहाँ पे एक समान कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी और डी, ये क्या है, एक समान है, एक समान है दोस्तों। और यहाँ पे जो सी दिया गया है ये असमान है, असमान है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी। सी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया, ए में दिया गया, इसलिए दोस्तों ये हमारा 96 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया 97 नंबर में कहा गया विषम को चुने, टी का 20, एक्स का 24 होता है, लेकिन यहाँ पे 23 लिखा गया है दोस्तों, और वो का 15, एल का 12, ये सही लिखे हुए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। बी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया, ए ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 97 का हमारा ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बिना समय गए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया, कहा गया विषम की पहचान करें। अब दोस्तों यहाँ भी एल का 12, एन का 14 और पी का दोस्तों 16 होता है, यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, 17 लिख दिया, और आर का 18 होता है, ठीक लिखा है। अब पी का यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है 17, तो यानी डिफरेंट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे किस में दिया गया, डी ऑप्शन पे हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 98 का क्या हो जाएगा, 98 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा 98 का कौन सा हो जाएगा डिफरेंट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल 98 का दोस्तों डी हमारा राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 99 तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। अब देखें दोस्तों, अगर डी, डी से हमारा यानी कि डी का कोड 4 होता है और जी का 7 होता है, फिर ई का 6 होता है और ई एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है। फिर अगर अगला देखें तो 4, अब यहाँ पे फिर J का 10 हो जाएगा और M का 13 हो जाएगा और L का दोस्तों 12 हो जाएगा, K का 11 हो जाएगा, R का यहाँ पे 18 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा और S का 19 हो जाएगा, U का 21 हो जाएगा, अगला फोर्थ ऑप्शन में O का 15 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा और Q का हमारा 17 हो जाएगा और P का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 4 में प्लस 3 जोड़ा गया, 7 मिला, 7 में दोस्तों हमने एक फिर आगे 7 से एक कम किया तो 6 मिला, 6 से फिर दोस्तों हमने क्या किया, फिर एक कम किया। यहाँ भी दोस्तों देखें तो हमने क्या किया, प्लस 3 किया और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक माइनस किया और यहाँ भी हमने एक माइनस किया। यहाँ पे देखें तो प्लस का 2 किया गया और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का 1 किया और यहाँ हमने प्लस 1 फिर किया और यहाँ प्लस 2 किया गया, 19 2 21। फिर देखें दोस्तों तो 15 3 18, तो प्लस का 3 किया गया, फिर यहाँ पे हमारा प्लस का माइनस का 1, फिर यहाँ भी माइनस 1, तो प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन पे मिल रहा है, अब बी ऑप्शन पे मिल रहा है और सी में नहीं मिल रहा है, डी में मिल रहा है, तो सी में नहीं मिल रहा, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यही डिफरेंट हो जाएगा। 99 का सी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुने जो अलग या असंगत है। अब फिर वही दोस्तों काम करते हैं, आर का 18, पी का होता है 16 और एन का होता है 14, एल का होता है दोस्तों 12 और फिर जेड का होता है हमारा 26 और एक्स का होता है 24 और फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा वी का होता है 22 और टी का होता है हमारा 20 और सी का होता है दोस्तों 3, ए का 1, डब्ल्यू का हमारा 23, वी का होता है हमारा 22 होता है, फिर जे का होता है 10 और उसके बाद हमारा एच का होता है 8, एफ का होता है 6 और डी का होता है दोस्तों कितना, 4 होता है। अब अगर देखें तो 18 में हमने कितना कम किया, -2 कम किया, फिर यहाँ भी हमने क्या किया, -2 कम किया, फिर यहाँ भी दोस्तों हमने क्या किया, -2 कम किया, और यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ भी हमने क्या किया, माइनस का 2 कम किया, फिर अगला देखें तो यहाँ भी हमने क्या किया, माइनस का 2 कम कर दिया और यहाँ भी हमने दोस्तों क्या किया, माइनस का 2 कम कर दिया। अब इनमें अगर देखें तो यहाँ पे 3 में -2 किया गया और फिर यहाँ पे प्लस का 22 किया गया तो 23 हो गया और फिर यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पे माइनस का 1 किया गया और यहाँ पे देखें दोस्तों तो माइनस का 2 और फिर यहाँ भी माइनस का 2 और उसके बाद यहाँ भी -2, यानी कि इन सभी में -2 -2 किया गया है, लेकिन एक जो हमारा ऑप्शन यानी कि नहीं सही है, सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे -2 और प्लस का 22 और माइनस का 1, ये हमारा सी ऑप्शन यानी कि इन अन्य सभी से मैच नहीं कर रहा, नहीं सभी में क्या किया गया है, सभी में -2 -2 -2 किया गया है और सी ऑप्शन में -2 +22 और -1 किया गया, इसलिए दोस्तों हमारा ये 100 का सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ और इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी क्वेरी का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।